अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद उम्मी इब्राहिम। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अरबियन डिश बसबोसा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी को पहले अच्छे से छान लीजिएगा। 1/2 कप डाला है इसके अंदर मैंने शुगर और 1/3 कप डाली है मैंने इसके अंदर ऑयल और 1/2 कप मैंने डाला है इसके अंदर दही और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसको बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। तो इसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से अच्छे से और फिर इसके ऊपर हम मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि जो केक बनेगा हमारा बस भूसा वो इसमें चिपके नहीं नीचे। तो इसको इस तरह से लेबल में कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर ये मिक्सचर डाल देंगे बसबोसा का बनाया हुआ। तो इसको मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर निशान लगा देंगे इस तरह कट करके ताकि जब हमारा बसबोसा तैयार हो जाए तो हम इस तरह से इसको काट लेंगे जिस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं। और अब हम इसके ऊपर बादाम लगा देंगे, छिले हुए बादाम हैं ये। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये बसबोसा। तो यहाँ मैंने एक देगची गरम कर ली थी और अब इसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और ये हम तकरीबन 1/2 घंटे में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब इसका शीरा तैयार कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसके अंदर शुगर ली है और 1 ही कप मैंने इसके अंदर पानी लिया है और इसको अब हम पका लेंगे। हमने इसको बिल्कुल तार वाला शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ जो शुगर है उसको रिजॉल्व करना है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 1 लीमू का स्लाइस और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। तो देखें ये पानी पकना शुरू हो गया है, सिरप तैयार हो गया है शुगर सिरप। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बसबोसा भी तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके कट लगा लेते हैं, जो हमने निशान लगाए थे उसी पे हम इसके कट लगा लेंगे नाइफ की मदद से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल यूनिक सी डिश है ये। और जो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी हमने इसको कट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देंगे। तो इसमें जो स्वीटनेस भी थी बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल बराबर थी सब कुछ, सबको बहुत पसंद आया था ये बसबोसा। तो अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देते हैं इस तरह से, जितना भी हमने बनाया है हम सारा का सारा इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब इसको मैं कट करके आपको इसको दिखाती हूँ, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।